वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप, मैं उम्मीद करता हूं आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज इस आई आइकन को दबाइए। आपको यहाँ पे आई आइकन दिख रहा होगा और आप देख सकते हैं पिछली वीडियो को और समझ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है। तो इसी डिजिटल मार्केटिंग सफर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हमारे पहले मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम करता है जब भी हमको हमारी वेबसाइट को गूगल या ऐसे गूगल जैसे मिलते जुलते सर्च इंजन जैसे याहू, बिंग, इनके ऊपर रैंक कराना होता है। अब आजकल डिजिटल जमाना है, आप भी जानते हैं कि आपने एक वेबसाइट तो बना ली, काफी ब्यूटीफुल वेबसाइट है, पर जब तक वो आपकी वेबसाइट एक गूगल जैसे बड़े सर्च इंजन पे पहले पेज के ऊपर रैंक नहीं कर रही है तब तक उस वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप गूगल सर्च करते हैं जैसे कि आपको अभी दिख रहा होगा, और गूगल सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि कितने रिजल्ट्स पॉप करते हैं, तो आपको दिखेंगे करोड़ों में बहुत सारी वेबसाइट्स, करोड़ वेबसाइट्स यहाँ पे निकल करके किसी भी सर्च क्वेरी के लिए आती हैं। पर क्या इन करोड़ वेबसाइट्स के अंदर मेरी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो उसका अच्छा होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके ऊपर नहीं आ रहा है ट्रैफिक। थर्ड स्पॉट पे गूगल के लिए रैंक करेगा, गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, दैट इज SERP पे रैंक करेगा। तो वो लाने के लिए हमें उसके ऊपर कुछ गूगल की कुछ एल्गोरिदम्स होती है जिसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। यानी गूगल हमसे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, गूगल के रहते हैं, वो हमसे डिमांड करता है कि प्लीज आप इन रूल्स और रेगुलेशंस को फुलफिल करिए तभी मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कराऊंगा। और इन रूल्स और रेगुलेशंस के मिक्स को बोला जाता है गूगल एल्गोरिथम्स। और गूगल एल्गोरिथम्स किस तरीके से काम करती है, ये गूगल के इंजीनियर्स गूगल के हेडक्वार्टर्स में बैठ के बनाते हैं और वहां पे ये एक सेट ऑफ कोड्स होते हैं और वहां पे ये डिसाइड होता है कि वेबसाइट को इवैल्यूएट करने के लिए, उस वेबसाइट का आकलन करने के लिए किन किन फैक्टर्स की जरूरत है। तो अगर ये फैक्टर्स गूगल के आपने फुलफिल कर दिए तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, और अगर ये फैक्टर्स आपने रैंक नहीं करे तो अनफॉर्चुनेटली आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। तो गूगल के एल्गोरिदम आने वाले टाइम के साथ साथ अपडेट होती जाती है और गूगल कभी भी अपने एल्गोरिदम्स को रिवील नहीं करता है, लोगों को बताता नहीं है। कारण समझिए, अगर मैं मेरी किसी भी एल्गोरिदम को लोगों को, मी बीइंग गूगल, मैं गूगल हूं, और अगर मैंने अपनी एल्गोरिदम लोगों को बता दी कि दोस्तों आप ऐसा ऐसा कर लीजिए आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाएगी, तो दोस्तों फिर तो सभी फर्स्ट आ जाएंगे, और अगर सब फर्स्ट आ जाएंगे तो उसमें से रेलिवेंट कौन है, अच्छा कौन है, ये किस तरीके से जज कर पाएंगे। इसीलिए गूगल कभी भी अपने एल्गोरिदम्स को लोगों को बताता नहीं है, आपको हमेशा जज करना पड़ता है, काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी इंटरनेट पर पढ़ना पड़ता है कि इस वक्त गूगल किन फैक्टर्स को वैल्यू कर रहा है, मायने दे रहा है। और गूगल, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, गूगल सिर्फ एक दो फैक्टर्स पे नहीं, गूगल हजार से ज्यादा फैक्टर्स पे आपकी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करता है, हजार से ज्यादा फैक्टर्स पे आपकी वेबसाइट को इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है। तो ये फैक्टर्स समझना बहुत जरूरी है, अगर आपने ये फैक्टर्स साइन पे पकड़ ली तो आप गूगल से जीत गए और आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराने में कामयाब हो जाएंगे। बट अगर ये फैक्टर्स में आप कहीं ना कहीं चूक गए तो आपकी वेबसाइट अनफॉर्चुनेटली रैंक नहीं कर पाएगी। सो गूगल एल्गोरिदम्स तो हमने समझ लिया क्या चीज होता है, उसको और समझाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जहां पे उस लिंक पे क्लिक करके आप ये पढ़ पाएंगे कि अभी करंटली गूगल किस एल्गोरिदम पे काम कर रहा है और कब से काम करता है और इन एल्गोरिदम्स में ओवर द टाइम कैसे चेंज आया है। तो प्लीज आप उस लिंक को क्लिक करके जरूर देखिएगा। बात करते हैं कि कितने टाइप्स के SEO होते हैं। सो SEO एक बहुत जेनेरिक, बहुत जनरल टर्म हो गया, बट कितने टाइप्स के SEO होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ SEO। फर्स्ट इज व्हाइट हैट SEO। व्हाइट हैट SEO क्या होता है? हर वो चीज जो हम गूगल की रूल्स के हिसाब से करें, यानी गूगल को अपील करने के लिए करें, गूगल की जी हुजूरी करने के लिए करें ताकि हमारी वेबसाइट रैंक करे और हमारे पास ट्रैफिक आए जिससे हम लोग हमारे बिजनेस को बढ़ा पाए, उन सारी चीजों को जो हम लोग रूल्स के हिसाब से चलते हैं उसको हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ व्हाइट हैट SEO। वहीं दूसरा पार्ट होता है SEO का, दूसरा टाइप होता है SEO का, उसको हम लोग जानते हैं ब्लैक हैट SEO, यानी कि हम हमारी वेबसाइट को फास्ट रैंक कराना चाहते हैं बट हम ये नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट लंबे टाइम तक रैंक करे। इसलिए हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज करते हैं जो कि गूगल मना करता है, गूगल डिनाई करता है, गूगल बोलता है इन टेक्निक्स का यूज ना करें अदरवाइज मैं आपकी वेबसाइट को पेनल्टी दूंगा। और गूगल की पेनल्टी होती है वो आपकी वेबसाइट को अपने सर्च इंजन से डीरैंक कर देता है, यानी उसकी रैंक को गिराना स्टार्ट कर देता है। तो वो सारी टेक्निक्स जिसकी वजह से हम लोग चाहें कि फास्ट रैंक कर जाएं और जल्दी रैंक कर जाएं बट लंबे टाइम तक नहीं बने रहे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लैक हैट SEO, यानी कि सारी इलीगल टेक्निक्स। एंड तीसरा इन दोनों का मिक्स जिसको हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ ग्रे हैट SEO। सो इसके लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं। आप लोग जानते होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक प्रोफेशन होता है जहां पे वो लोग आपका टैक्स सेव करते हैं। टैक्स किस तरीके से सेव किया जाता है?
गवर्नमेंट के कुछ रूल्स स्पेसिफाइड है, उसमें से कुछ फ्लॉ निकाला जाता है, कुछ तोड़ निकाला जाता है, जिसकी वजह से आपके टैक्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम करके दिखाते हैं, उसकी वजह से आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से गूगल का ग्रे हैट एसईओ काम करता है, जहां पे गूगल ने कुछ चीजें बोली भी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसने नहीं भी बोली हैं, तो हम उन चीजों का लेवरेज उठाते हैं, उन चीजों का फायदा उठाते हैं, हमारी वेबसाइट को मिक्स ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक हैट यानी कि ग्रे हैट यूज करके रैंक करने के लिए। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एसईओ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल गई होगी। आगे भी इसी तरह हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के तरह तरह के मॉड्यूल्स के बारे में बात करते रहेंगे, जो आपको आपकी वेबसाइट को मार्केटिंग करने के लिए हेल्प करेंगे। तो अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं, आगे भी जानना चाहते हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग काम करते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज इस बेल आइकन को दबा दीजिए और कोशिश करिए कि आप हमारी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते रहें, ताकि आप अपनी वेबसाइट पे सारी चीजें जो भी हम बता रहे हैं उसको आप इंप्लीमेंट करते जाएंगे और आपको असर दिखता जाएगा। थैंक यू सो मच।